अच्छा कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। अरे मुझे फेल कर दिया, मुझे फेल कर गया ये। बॉडी अपने आप बॉडी नशा प्रोड्यूस करती है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हाँ मुश्किलें बढ़ेंगी हमारे लिए भी, कि भाई उसको ड्राइवर को मार मार के ही पीट पीट के वहाँ पे मार ही दिया। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल और हैप्पी न्यू ईयर एक बार दोबारा फिर से सभी को। आज है 1 जनवरी और लास्ट वाला व्लॉग देख के हंसना मत, मुझे कुछ याद नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब मैंने वीडियो आके एडिट करने बैठा सुबह में, मैं इतना पागल हो गया हंसते हंसते, ये क्या कर के आया हूँ मैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें इस वीडियो को रखूँ, अपलोड करूँ या नहीं करूँ। फिर फाइनली मैं सोचा कि 31 दिसंबर की पार्टी है तो चलो न्यू ईयर पार्टी व्लॉग रख देता हूँ ये, वरना मेरा एक बार को मन कर रहा था यार नहीं डालता अपने ऊपर ऐसा लग रहा था मुझे। एनीवे अभी फ़िलहाल अपन बैठे हुए हैं अपने कैफे पे और अभी भी हंसी आ रही है वो वीडियो देख के उधर हंस रहा है। यहाँ लाइट लाट लड़खड़ा रही है पर मैं नहीं लड़खड़ाया। अरे क्या मजे किए हम लोगों ने, सच्ची में पर हमने मजे किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मतलब शायद मैंने पहली बार इतना एंजॉय किया है न्यू ईयर पे। हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता है, एक पॉइंट होता है जब आप ये सोचते हो कि नहीं सब भूल जाओ, हाँ। जो अभी मजे करने हैं तो मजे करो, वो पॉइंट कभी कभी लाइफ में आना चाहिए। बिल्कुल, तो चलो आज का दिन अपना शुरू करते हैं। बट आपने अगर वीडियो नहीं देखी ना तो जाके देखना, आप भी हंसोगे अगर आपको हंसना है। वो ये मेरा कौन सा रूप था मुझे भी नहीं पता, ये कब निकला मेरे अंदर से बाहर। पीके पीके रूप था वो, पोल डांस कर रहे थे। हाँ वो तो तू भी कर रहा था। माहौल के हिसाब से ये ना एकदम मिक्स हो जाता है। हाँ। मतलब समझ नहीं आता पी हमने या इसमें। हाँ। तो चलो करते हैं आज का दिन अपना शुरू। मम्मा कल क्या पिलाया था मुझे? एप्पल जूस। हाँ। एप्पल जूस चढ़ा था इसको। तो आज का दिन भी काफी अच्छा जा रहा है और काफ़ी टूरिस्ट हैं अभी भी, अभी कोई भी मतलब निकला नहीं है। तो अपना कैफ़े भी अभी क्या है चल रहा है इधर फुल, वो अपने सब्सक्राइबर बैठे हैं इधर और ये वॉकिंग है। हेलो, ये स्मॉल बॉय अपना ये सब्सक्राइबर है ये। तो जी पहला दिन 1 जनवरी साल का पहला दिन अपना बहुत अच्छा गया और बहुत सारे लोग मिलने आए उस दिन, मतलब सब्सक्राइबर काफ़ी आए हमारे पास, तो वो भी एक अलग अचीवमेंट है। मतलब अच्छा लगता है इतने सारे लोग मिलने आते हैं और वो फूड भी पसंद करते हैं प्लस मिल के जाते हैं, तो एक लगता है कि कोई फैमिली मेम्बर ना मिलने आया हुआ है हमसे। आज भी आए हैं और आज भी कितने दो या तीन सब्सक्राइबर आज भी आए, तो वो एक अलग अच्छा लगता है। तो अभी देखो थोड़ी सी शायद मुश्किल हो सकती है, जैसा कि सब लोग को पता ही है कि ऑल इंडिया स्ट्राइक सुनने में आ रहा है, ऐसा होगा। हाँ, ट्रक्स की मतलब बड़े व्हीकल की मेनली, क्योंकि इनके कुछ हिट एंड रन केस के कुछ रूल चेंज हुए हैं तो उसको लेके ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। तो देखो उसमें ना सबके लिए मुश्किल बढ़ेगी, हर चीज़ की सप्लाई गोवा में हर चीज़ बाहर से ही आती है, लेके सब्जियों से सब कुछ,
तो अगर ये बड़े व्हीकल रुक जाएंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका से ज़्यादातर सप्लाई आती है, तो अगर बड़े व्हीकल रुक गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी कहानी, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डीजल पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं हो रहा और बड़े व्हीकल सप्लाई नहीं दे पाएंगे इधर, तो हमें तो सब्जियां वगैरह सबके ही लाले पड़ जाएंगे गोवा में, तो और इसको कैसे चलाएंगे ये तो बड़ा टास्क हो जाएगा फिर। तो उसमें जैसा कि कुछ रूल चेंज करे हैं हिट एंड रन में के जो सजा है वो 10 साल कर दी है। हाँ, तो देखो कुछ हद से देखते हैं ना इन चीज़ों को हम। अगर एज ए ड्राइवर हम देखें तो भाई उनका भागना उस टाइम पे सही भी रहता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब ऐसा कुछ केस होता है, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं या पीछे बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने में आ चुकी हैं कि भाई उसको ड्राइवर को मार मार के ही पीट पीट के वहाँ पे मार ही दिया, तो जान बचाने के लिए वो भी भागता है और जान पूछ के वो भी नहीं मारता है। दूसरी एक और चीज़ होती है जो के जो गलती होती है वो हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की मानते हैं हम, चाहे गलती कोई भी करे पर मानते जाए तो लोग हैं कि भाई बड़ी गाड़ी वाले की है, तो उस केस में भी वो फंसते हैं अगर एक ड्राइवर की तरह से देखें। और अगर हम देखते हैं कि पब्लिक के नज़रिए से, तो उस नज़रिए से भाई हिट एंड रन मतलब गाड़ी लेके भाग रहा है, दैट इज़ रियल मतलब वो फिर गलत है। गाड़ी छोड़ के अगर वो भाग गया तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भागा, आप गाड़ी के थ्रू उसे ट्रैक कर लो भाई कौन किसकी गाड़ी है कौन ड्राइवर था, तो आपको वो पकड़ में आ जाएगा पुलिस के आराम से। और देखो कैसा होता है बहुत सारे केसेस में हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग इंटेंशनली जो पेशेंट होता है ना उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का मन रखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए, पर वो जान मतलब चाह के भी वहाँ रुक नहीं पाते क्योंकि पब्लिक ना पागल हो जाती है, सब कुछ पब्लिक के हाथ में आ जाता है उस टाइम पे। ये चीज़ हमने तब फेस करी थी जब हमारी कार से, तब हमारे पास नैनो कार थी, उससे गाय को टक्कर लगी थी एक बारी। गायें भागते हुए फुल स्पीड पे आई और बचाते बचाते भी बिल्कुल डिवाइडर तक लेके गए, लेकिन वहाँ जाके भी वो गाय में लग गई। तो वहाँ भी बहुत पब्लिक इकट्ठा हो गई और पब्लिक में से ही सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आ रही थी जैसे ही हरविंदर ने कॉल किया कि भाई हरविंदर वहाँ से निकलो कुछ भी हो सकता है, वो गायें थी लेकिन आदमी होता तो सोचो। और दूसरा वहाँ जो पब्लिक इकट्ठी होने लगी थी वहाँ से पब्लिक में से ही एक बंदे ने बोला कि सर आप प्लीज़ आपके साथ बच्चा है आप गाड़ी लेकर यहाँ से जाओ, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक एग्रेसिव होना शुरू हो जाती है वो तो फिर उसके हाथ में आ जाता है सब कुछ, तो कोई किसी की समझदारी पे आप भरोसा नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो अगर ये देखो स्ट्राइक चली ऐसी जैसे सभी ट्रक वालों ने करी है, टैंकर की भी, मतलब जो भी कमर्शियल बड़े व्हीकल हैं वो या छोटे व्हीकल हैं वो सब सुनने में आ रहा है कि स्ट्राइक पे कर रहे हैं अभी इस रूल को लेके, जो ये रूल चेंज हुआ है, जो ये नियम चेंज हुआ है, मतलब जो सजा का 10 साल हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हाँ मुश्किलें बढ़ेंगी हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा क्या है सब्जी और इन सब चीज़ों पर हम ज़्यादा डिपेंड है, और वही चीज़ें जब बंद हो जाएंगी सप्लाई होनी तो हम भी खड़े हुए देखेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई कल तक मटर का जो रेट था वो 30 या 40 रुपए था, आज वो 60-70 हो गया, ऐसी सब सब्जियों के रेट भी बढ़ेंगे फिर, तो ये आम जनता पे भी मतलब जो है उस उन पे भी एक बर्डन पड़ेगा इस चीज़ का। देखते हैं खैर क्या होना है क्या नहीं होगा, ये अब वो तो आगे खुद ही पता चल जाएगा 2-4 दिन में, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी करना होगा भाई वो जो यूनियन वाले हैं वो देखेंगे, बाकी गवर्नमेंट वगैरह वो देखेंगे इन सब चीज़ों को। कल मुझे भी वैसे मैं सोच रहा हूँ डीजल फुल करा लूँ टैंक, हाँ तो अगर डीजल फुल हो जाएगा तो एटलीस्ट क्या है अपने सामान वान जो लाने हैं वो तो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि अगर ये लंबी चली तो फिर बसें वगैरह भी बंद हो सकती हैं, और बसें अगर गवर्नमेंट वाली खाली चलेंगी मुझे लग रहा है प्राइवेट तो बंद हो ही जाएंगी, अगर ऐसा होगा तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी क्या है नहीं गोवा का क्राउड पूरा जा चुका है, आज हम बीच पे गए थे बहुत खाली बहुत शांत सुनसान सा था, मतलब जितने लोग थे 30 और 31 को उससे 50% लोग आज बीच पे दिख रहे थे मुझे, तो ऑलमोस्ट अब ये समझ लो क्राउड जा रहा है और ज़्यादा शांति होने वाली है। पर कुछ लोग हैं जो अब प्लान कर रहे हैं ना अपना जनवरी में आना, तो वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बट ये स्ट्राइक और स्ट्राइक है ना इनके बाद ही आना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई, पता चला आप आके इधर फंसो या कोई परेशानी हो तो बेटर है कि अभी थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, उसके बाद में फिर आप आराम से ट्रिप अपनी कर सकते हो। अब जनवरी जो है हल्का रहेगा शांत रहेगा, और तो होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना,
सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।